الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. की नकीता यार ने एक यार वास्ते रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते सरकार वास्ते रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते अखियां बड़ाया सोहने दे दीदार वास्ते काबे पे पड़ी जब पहली नजर काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया यूं हो शोखीरद मफलूज हुए दिल जोक तमाशा भूल गया एहसास के पर्दे लहराए ईमां की हरारत तेज हुई एहसास के पर्दे लहराए ईमां की हरारत तेज हुई सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह सर अपना सौदा भूल गया काबे पे पड़ी जब पहली नजर जिस वक्त दुआ को हाथ उठे
याद आना सका जो सोचा था। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था। इजहारे अकीदत की धुन में इजहारे तमन्ना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। जजाकल्ला। अल्लाह पाक आप दोनों की तौफीकात में, आपके इल्हान में मजीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, नवाए रमदान के आखिरी एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह सुबहानहू व तआला का ये बाबरकत महीना अब बिलाखिर वो घड़ियाँ आन पहुँची जब हमसे रुखसत होने जा रहा है। जिस तरह इसकी आमद पर खुशी का इजहार है, उसी तरह अल्लाह सुबहानहू व तआला के इस मेहमान की हमसे रुखसती पर दिल गिरफ्ता है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो आखिरी योम है, आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी औकात हैं रमज़ान मुबारक के, ये यकीनन बहुत ही अहम औकात हैं। ये गोया मजदूर के लिए उसकी उजरत लेने का वक्त है, और उजरत की तकसीम के इस वक्त में हमने गाफिल होने की बजाय अपने आप को लाइन हाजिर करना है। किस तरह से करना है, इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। हमने दावत दी है नौजवान इस्लामी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद सलीम नक्शबंदी साहब। खुश आमदीद कहता हूँ मौलाना साहब आपको। बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जी। आखिरी अशरा, आखिरी रात जी, लैलतुल जायज़ा कहा जाता है इसे जी। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी रात के हवाले से, और इस रात में जो हमारा शौक होना चाहिए और या खौफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल यद हकू कलीला वल जब कू कसीरा सदकल्लाहुल्अज़ीम। अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला अलिका वसाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को यहाँ चैनल पर बुलाकर, और ये आखिरी रात के इस पहर में और इस अजीम उनवान पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। तो ये जो हमारा उनवान है आज, लैलतुल जायज़ा और ईद का हकीकी तसव्वुर। लैलतुल जायज़ा जो है अरबी के अंदर, लैला कहते हैं रात को जी, जायज़ा कहते हैं इनाम वाली रात, और बाज़ औक़ात इसको शिवालुल मुकर्रम की पहली रात भी कह देते हैं, और इसी को ईद उल फित्र की पहली रात भी कह देते हैं, और बहुत सारे लोग इसको चांद रात उर्फ़े आम में, उर्फ़े आम में चांद रात भी कह देते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब, इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हज़रात, इस रात की जो इबादत हैं, जो फ्यूज़ व बरकात हैं, उनसे ला इल्म है। पहली बात है, मैंने आज ही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी, हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत किया है। वो फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, सहाबा देख लेना, महशर वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके दिल मुर्दा होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके दिल जिंदा और जावेद होंगे। या रसूलल्लाह, वो कौन से लोग होंगे जिनके दिल क़यामत वाले दिन भी जिंदा और जावेद होंगे? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो लोग होंगे कि जिनकी ईद उल फित्र की रात तलब रहमत, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की रजा में गुजरी होगी। सुभानअल्लाह। है खुद को, हाँ जी, आज ये वो रात हम पर है इस वक्त जी, कि ये आ रही है आगे, कि हमें इस वक्त अपने आप को जिंदा दिल वालों में लिखवा सकते हैं। हुजूर भी यही फरमा रहे हैं ना कि जिन लोगों ने इस रात में, यानी ईद उल फित्र की रात में
तलब रहमत के लिए, अल्लाह की रहमत और उसकी रजा को तलब करने के लिए, हासिल करने के लिए शब बेदारी कायम की, इस रात में बेदार हुए, तो फिर हुजूर फरमाते हैं अजर क्या मिलेगा, क्यामत वाले दिन उनके दिल जिंदा होंगे। और फिर इसी के मुतालिक एक और रिवायत में हुजूर के सहाबी हजरत मआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी हदीस रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पांच रातें ऐसी हैं कि इन पांच रातों में अगर बंदा बेदारी कर ले, रात को जाग ले, तो उसका इनाम क्या मिलता है। हुजूर फरमाते हैं पहली पांच रातें कौन सी हैं, पहली बात तो ये है कि वो पांच रातें हैं कौन सी। हुजूर ने फरमाया वो पांच रातें ये हैं कि पहली रात है आठ ज़िलहज की, आठ ज़िलहज जी हज का मौका, हज के मौके पर, दूसरी है नौ ज़िलहज, और तीसरी रात है वो दो बिल तरतीब रातें हैं जी जी, जो जिसको हम लैलतुत तरविया भी कहते हैं, आठ और नौ की, और तीसरी रात वो है जो ईद उल अज़हा की रात होती है जिसको हम लैलतुन नहर भी कहते हैं। ठीक है, तीन रातें ये हो गई, रातें इकट्ठी आ गई जी, तीन रात ही हो गई और दस की, दस ज़िलहज की, ज़िलहज के महीने, और चौथी रात वो है जिसको हम लैलतुन निस्फ शाबान कहते हैं, यानी शब बरात की रात जो होती है, पंद्रह शाबान, पंद्रह शाबान, तीसरी रात वो है और चौथी रात जो है वो चार हो गई ना, ये पांचवी, ये पांचवी, ये है लैलतुल फित्र, यानी ईद वाली रात जो है, ईद उल फित्र की जो रात है। हुजूर ने फरमाया इन पांच रातों में अगर कोई बंदा जाग कर अपने रब की बारगाह में सजदे में आ जाए, सजदे में सुजूद हो जाए, हाजिर हो जाए रब की बारगाह में, इन रातों के अंदर, पांच रातों के अंदर अगर बंदा शब बेदारी कर ले, तो अल्लाह तबारक व ताला उस शब बेदारी करने वाले बंदे पर जन्नत को वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह, जन्नत को वाजिब कर देता है। आप देखें साल में सिर्फ पांच रातें हैं और वक्फे वक्फे से हैं, एक चलो तीन तो इकट्ठी हैं, बाकी आगे तो दो वक्फे से हैं, तो बंदा इन पांच रातों में अगर शब बेदारी कर ले तो हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह उन पर जन्नत को वाजिब कर देता है। और इसी पर मुझे एक और हदीस पाक याद आई है, आपकी मोहब्बत से मैं बयान करूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैंने एक दिन हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तो बताएं कि क्या कोई खास रात, कोई ऐसी भी रात है, वैसे तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, खैर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो या रसूलल्लाह कोई रात ऐसी भी है कि जहाँ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के खैर के दरवाजे हर वक्त खुले हों और वसत वाले हों कि हम जब भी आ जाएं तो उसकी बारगाह में तो वो हमें अता फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो चार रातें हैं, सरकार फरमाते हैं वो चार रातें हैं, एक एक रात जो है वो है नौ ज़िलहज की और दूसरी रात है दस ज़िलहज की, हुजूर फरमाते हैं पंद्रह शबान की और ईद उल फित्र की रात। तो ये चार रातें ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रहमत के और खैर के दरवाजे होते हैं वो खुले होते हैं। बात हमारी चल रही थी ना कि लैलतुल जायजा ईद उल फित्र की रात को भी अल्लाह तबारक व ताला की वो जो रहमत वाले खैर वाले दरवाजे होते हैं वो खुले होते हैं। मौलाना ये फरमाइएगा कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि शब बेदारी का एहतमाम करना है, तो इसके लिए इबादत या कोई दुआओं का भी आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पे हुक्म फरमाए। मैं अभी आपसे अर्ज करता हूँ जी, तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि आयशा सिद्दीका फरमाते ना, हुजूर ने फरमाया कि खैर का दरवाजा इस रात को खुला होता है, ईद उल फित्र की रात को भी खुला होता है। हालांकि होता क्या है कि वो खाले के कायनात है, वो दरवाजा खोल के बैठा है खैर का, कि मेरा बंदा बंदों का मुंतजर है कि लेने वाला कोई आए, मेरे तो दरवाजे खैर के खुले हैं, अब लेने वाला भी तो आए ना कोई। अब जिन लोगों ने वो खैर लेनी होती है, आपने भी देखा होगा तजर्बाती जिंदगी में, हमने भी देखा है कि खैर देने वाला बैठा होता है और जो खैर लेने वाले हजरात होते हैं वो इस रात को बाजारों में शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऐसा है, और इस रात में लोग चूड़ियां खरीद रहे होते हैं, इस रात में लोग शूज खरीद रहे होते हैं। हालांकि ये जो रात है इसकी बड़ी फजीलत है। हजरत ताऊस यमानी ये ताबेई हैं, हजरत इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो हुजूर के नवासे भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, उनके साथ इनका ताल्लुक रहा है, वक्त गुजरा है। तो वो फरमाते हैं मैंने एक दिन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुज्तबा से पूछा, ये बताएं कि जब हमारी जिंदगी में ये जो रात आ जाए ईद उल फित्र की, तो हम इसको कैसे गुजारें। तो हजरत इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं इसको मैं ये नहीं जानता कि इसको कैसे गुजारें, मैं ये बताऊंगा कि हसन इसको किस तरह गुजारता है। अल्लाह, इमाम हसन ईद उल फित्र की रात को कैसे गुजारता है, हुजूर बताएं कैसे गुजारते हैं। आपने फरमाया जब ये ईद उल फित्र की रात आती है तो हसन इसकी तीन हिस्से करता है, और एक पहले हिस्से में क्या करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पढ़ता है। इसलिए वो फरमाते हैं मैं इसलिए भी नहीं पढ़ता कि वो मेरे नाना है,
दुरूद मैं इसलिए पढ़ता हूँ, अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा, इसलिए मैं दुरूद पढ़ता हूँ कि अल्लाह का हुक्म है। और फरमाते हैं दूसरा जो हिस्सा है उस दूसरे हिस्से में मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, मेरे बंदे जब मुझसे पनाह मांगते रहेंगे तो मैं उनको बख्शता रहूंगा। तो हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और इस रात का जो आखिरी हिस्सा है ईद उल फितर की आखिर, पहले मैं दुरूद पढ़ता हूँ, दूसरे में इस्तिग़फ़ार जी, और तीसरे में वो फरमाते हैं मैं क्या करता हूँ वस्जुद वक्तरिब, आखिरी जो हिस्सा होता है उस सारे हिस्से में मैं रब की बारगाह में नवाफिल अदा करता हूँ। अब ताऊस यमानी फरमाते हैं मैंने इमाम हसन अल मुज्तबा से पूछा जिस तरह आप ईद उल फितर की रात गुजारते हैं तो हम अगर इस तरह ईद उल फितर की रात गुजारें तो हमें इसका फायदा क्या होगा, मिलेगा क्या? तो हजरत इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहि सलाम फरमाते हैं यही बात, यही अमल जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं करता हूं, यही अमल करते हुए मैंने अपने बाबा मौला अली को देखा था और ये अमल मुझे मेरे बाबा मौला अली से मिला है। और फिर जब मेरे बाबा मौला अली ने मुझे ये बताया था कि इस तरह करना है और इस तरह अमल करना है, तो मैंने उन अपने बाबा मौला अली से भी पूछा था कि बाबा जान ये तो बताएं अगर मैं इस तरह चांद रात ईद उल फितर की रात गुजारता हूँ तो मुझे इसका फायदा क्या होगा, मफाद क्या मिलेगा? तो मेरे बाबा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया था ये वजीफा जो है मुझे खुद सरकार ने अता फरमाया था। अब ये देखें अमल इमाम हसन भी करते हैं ईद उल फितर कैसे गुजार रहे हैं और मौला अली भी ऐसे अमल करते हैं। अब मौला अली क्या फरमाते हैं मुझे सरकार ने यह वजीफा अता फरमाया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाया जी, सरकार ने ऐसे अमल अता फरमाया था। मुझे इजाजत दीजिएगा, वक्त हुआ है हमारे यहाँ एक ब्रेक का। नाज़रीन मोहतरम गुफ्तगू हो रही है आज के मौजू के हवाले से, आज की इस अहम रात के हवाले से कि इसके आमाल क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किस तरह से इन आखिरी लम्हात को गुजारना है। वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए एक दफ़ा फिर हम चलते हैं मौलाना सलीम नक्शबंदी मुस्तफ़ाई साहब के पास और उनसे जानते हैं, इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि इस रात को गुजारने के कीमती बनाने के जो तरीक़ाकार वो फरमा रहे हैं। और अभी एक हदीस मुबारक का उन्होंने इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात के हवाले से उनके जो उन्होंने आमाल बतलाए उसका तस्करा किया, तो जानते हैं उनसे मज़ीद वो इस बारे में क्या बताते हैं हमें। जी मौलाना साहब जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इस रात के तीन हिस्से करता हूँ। तो मुझे मैंने बाबा मौला अली से पूछा, मौला अली फरमाते हैं मैंने सरकार से पूछा कि कोई बंदा अगर इस तरह रात गुजारता है ईद उल फितर की रात तो उसको अजर क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अगर कोई आप में से अल्लाह का कुर्ब चाहता है, अल्लाह के करीब आना चाहता है, अल्लाह की माइयत में आना चाहता है, तो फिर वो ईद उल फितर की रात को ऐसे गुजारा करे, ऐसे गुजारा करे। तो ये इसमें ही इससे बड़ा इनाम होगा, हो क्या क्या हो सकता है? वो मुझे एक बात याद आई है, अल्लामा इब्ने जौज़ी हैं, उन्होंने किताब के अंदर एक बात नकल की है। वो फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे ना उनके 12 बेटे थे और उन 12 में से जो आखिरी था वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, बाकी 11 थे, 12वें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। उन 11 से गलती हुई, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, गलती 11 से हो गई। और 12वें से याकूब अलैहिस्सलाम को प्यार था, मोहब्बत थी, तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी जमाने फिर आए अपने वालिद की गिरामी की खिदमत में, तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि बाबा जान ये मेरे 3 11 भाइयों से गलती हो गई थी, आप इनको माफ़ कर दें। तो उन 11 अल्लामा इब्ने जौज़ी ने बड़ी प्यारी बात लिखी, वो फरमाते हैं देखो उन 11 की गलती एक की वजह से माफ हुई। तो वो फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमें साल अता फरमाया है उसके भी 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में से 11 महीने बंदा गुनाह करता रहता है, गलतियां कोताहियां करता कर रहता है, लेकिन जब रमजान आता है ना, रमजान भी अल्लाह तबारक व ताला को उन 12 महीनों में से सबसे ज्यादा प्यारा है। तो 12वें रमजान के महीने में 11 महीनों में बंदा गुनाह करता रहे, 12वां रमजान का जब महीना आता है तो ये बख्शिश का महीना होता है, पिछले सारे गुनाह इसकी वजह से बख्श दिए जाते हैं। जिस तरह 11 भाइयों की या यूसुफ की वजह से बख्शिश हो गई, गलती माफ हो गई, इसी तरह 11 महीनों की गलतियां रमजान की वजह से माफ हो जाती हैं। और फिर इस रात जो है
आपने एक जुमला सुना होगा कि दारुल अमल और दारुल जजा, रमजान पूरा जो है ये दारुल अमल है। अच्छा, हम नमाज पढ़े, अमल कर रहे हैं, रोजा रखे, अमल कर, जी अमल करने का मकाम है, हम यहाँ अमल कर रहे हैं। और ये जो ईद उल फित्र की रात आती है इसको कहते हैं दारुल जजा, यानी जजा देने का दिन, अल यौमो दारुल जजा, कि ये वो रात है हमारे जी, अमाल का। जी, इसलिए तो इसको लैलतुल जायजा कहा गया है, इनाम वाली रात। जब इनाम अता करने की बारी होती है वो देने वाला इंतजार में होता है, लेने वाले मसरूफ होते हैं, गाफिल होते हैं। तो मैं अपने आपके इस प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग नाजरीन नाजरीन हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो मैं उन सब दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी तमाम तर मसरूफियात को जल्द पहले मुकम्मल कर लें और इस रात के अंदर आप वो पूरे रमजान के अंदर जो इबादत की है उसके समर लेने का वक्त है, उससे आप मारूम ना हो। तो ये जरूरी था, ये आपने एक टॉपिक दिया कि लैलतुल जायजा हम कैसे गुजारें। अब इसी पर मैं एक बात करने लगा हूँ। जरूर, हजरत राबिया बसरी का आपने नाम सुना होगा। जी जरूर, राबिया बसरी सलामुल्लाह अलैहा का बहुत बड़ी वलिया मुत्तकिया गुजरी हैं। वो ईद उल फित्र की रात में, वैसे तो उनकी रूटीन में आम तौर पर भी उनकी तरीकाकार था इबादत का, लेकिन ईद उल फित्र की रात में वो क्या करती थी, 100 रकात नफल पढ़कर सोती थी। सौ रकात कहना आसान है, 100 रकात पढ़ के सोती थी। तो उनकी बांदी थी, गुलामा थी, उन्होंने एक दिन कहा राबिया बसरी से, मुझे लगता है तुम्हें जन्नत का लालच हो गया है, अब तुम 100 रकात पढ़ रही हो ना, जन्नत के लालच में पढ़ रही हो। तो राबिया बसरी ने पता है जवाब में क्या कहा, उसने कहा जन्नत के लिए मेरी नमाजें काफी हैं, ये जो मैं 100 रकात नफल पढ़ती हूँ ना, मैं जन्नत के लालच के लिए नहीं पढ़ती, इसलिए पढ़ती हूँ कि जब मैशर का मैदान होगा ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इबादत गुजार बंदों का जिक्र होगा, हुजूर भी उस वक्त तशरीफ फरमा होंगे, मिंबर पर सरकार भी बैठे होंगे, बाकी अंबिया भी बैठे होंगे, उस आलम में सवाल किया जाएगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मेरे नबी से फरमाएगा ना कि या रसूलल्लाह आपकी उम्मत में से, आपके गुलामों में से, गुलामों में से एक राबिया बसरी भी थी जो 100 रकात नफल पढ़कर सोया करती थी हुजूर के सामने। राबिया बसरी फरमाती जब सरकार के सामने मेरा तस्करा आएगा ना कि राबिया बसरी 100 रकात पढ़ के सोया करती थी, तो मैं जब मैशर के मैदान में हुजूर के सामने आऊंगी तो सरकार जब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे, फरमाती है मैं तो सिर्फ उसी एक मुस्कुराहट की साथ खातिर 100 रकात पढ़ती हूँ, सरकार की एक मुस्कुराहट की खातिर 100 रकात नफल पढ़ती हूँ। तो ये हमारे असलाफ का, बुजुर्गान दीन का, ये इस रात को, ईद उल फितर की रात को, चांद रात को जो हम कहते हैं लैलतुल इनाम की रात को गुजारने का ये तरीका था। हमें अपने असलाफ की तरफ ही चलना है, उनके तरीके पर भी चलना है, क्योंकि हमारी कामयाबी का राज इसी में है कि हम अपने असलाफ के बताए उसूलों पर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारे कदम। मौलाना ये फरमाइएगा कि आपने अपनी गुफ्तगू में बारहा तस्करा किया कि ये लैलतुल जायजा है, इनाम लेने का वक्त है, और हम में से अक्सर जो है वो इस वक्त को गफलत में और ईद की खुशी के नाम पर ही उसको बाजारों में गुजार देते, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस बात पर थोड़ा सा मज़ीद गुफ्तगू फरमाएं, ये बात समझ आए कि ईद जो है वो बेसिकली सिर्फ इस खुशी के मनाने का ही नाम है, नया कपड़ा और नया जूता ख़रीदना इतना ज़रूरी है कि हम उसके लिए जो है वो अपनी इबादत को या अल्लाह की बारगाह में हाजिरी को ही मौकूफ कर दें। बहुत सारे हजरात जो हैं वो इस रात को बाजारों के अंदर जाकर गुजारने को फजीलत देते हैं, अहमियत देते हैं, वो कहते हैं जी आज रात हम चांद रात है, सारी रात जागेंगे, बाजारों में फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे। हालांकि मैंने अभी आपके सामने बहुत सारी हदीसें रखी हैं, हुजूर फरमाते हैं इस रात में कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए जागे, जागना तो हमने वैसे ही है, रात तो हमने वैसे ही गुजारनी है, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम उसके लिए गुजारें जिसने हमें पैदा करके यहाँ भेजा है। ऐसा ना कर लें कि जिसने हमें पूरा रमज़ान अता फरमाया है, रमज़ान की बरकतें अता फरमाई हैं और रमज़ान के अंदर हमें हर किस्म की नेमतों से भी नवाजा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि इस रात में हम पूरा रमज़ान उसको याद करते रहें। और जब हदीस पाक ने हुज़ूर फरमाते हैं उतुल अजीरा अजरहू कबल आई है जुफा आरफा हूँ, कि अल्लाह फरमाते हैं हदीस कुर्सी है कि ए महबूब इनसे फरमा दें कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी अदा करो। तो अब देखें जो खुदा खुद इस चीज का हुक्म देता है, तो क्या ख्याल है हमने जो 29 रोजे रखे हैं या 30 रोजे रखे होंगे, तो हमारे 30 रोजे तो मुकम्मल हो गए, अब इशा की नमाज के बाद चांद रात शुरू हो गई है, हमारी तो मजदूरी पूरी हो चुकी है, क्या ख्याल है वो हमें अब उसका अजर नहीं देगा? अजर देगा जब वो खुद अपने नबी से कह रहा है कि अजर दो,
पसीना खुश्क होने से पहले अजर दो। तो हमने तो पूरा रमजान उसकी इबादत में गुजारा है, अब वो तो अजर देने के लिए आया बैठा है, तो हम क्यों गाफिल हो गए? हमारे लेने वाले जो हजरात हैं वो क्यों गाफिल हो गए? तो हमारे हाजरीन को, नाजरीन जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी इस प्लेटफॉर्म से पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इस रात को अल्लाह की रजा के लिए गुजारें, अल्लाह की राह में गुजारें, नमाजें पढ़ें और जितनी भी आपने इबादत की हैं रब की बारगाह में उनको पेश करें। मालिक, ये जो मैंने इतने लम्हात तेरी याद में गुजारे हैं, अगर इसमें कहीं कोई गलती कोताही हो गई तो माफ कर दे। तो ये तरीका कार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना, ये फरमाइएगा। मैं असल में गुफ्तगू क्लोज करने की तरफ जा रहा हूँ, वक्त की किल्लत के बाइस मैं ये चाहता हूँ कि आप ईद पर जिस तरह से गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि उसका जो हकीकी मकसद है वो ये है कि हमने ईद का गफलत नहीं, गफलत नहीं बल्कि इस वक्त में, इन औकात में और इस रात में अल्लाह की जनाब में हाजिर होना है। जी। और अब ये फरमाएं कि जो ईद की नमाज है जी, उसके हवाले से फरमा दीजिए कि उसकी क्या अहमियत है रमजान मुबारक के इख्तिताम पर और वो कितनी जरूरी है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसी आपके इस पैगाम को दोबारा से आगे लेकर चलते हुए नाजरीन को बताना चाहता हूँ, ये जो ईद का हकीकी तसव्वुर है, हमने समझाया कि शायद नए कपड़े पहनने का नाम है, हमने समझाया कि नए जूते पहनने का नाम है, हालांकि हमारे जो असलाफ गुजरे हैं, बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, उनका ईद गुजारने का तरीका क्या था, ईद का दिन वो कैसे गुजारते थे? हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा हो रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ, ईद पढ़ाने सरकार तशरीफ ला रहे थे, तो सरकार ने रास्ते में देखा कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, कुछ अमीरों के बच्चे हैं नए कपड़े पहन के, नए जूते पहन के खेल रहे हैं, और एक गरीब बच्चा है, यतीम है, वो एक कोने पे बैठ के जारो कतार रो रहा है। हुजूर ने उसे पूछा, बेटे तुम उनके साथ खेलना क्यों नहीं गए, तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, नए शूज क्यों नहीं पहने? उसने कहा कोई मुझे दिलवाने वाला नहीं है, तो मैं कहाँ से पहनूं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखे इमामुल अंबिया है, सरकार ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा है, घर ले आए हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते हैं जल्दी करो इसको नहलाओ, नहलाओ, नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए, और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम दोबारा निकले ना घर से मस्जिद नबी की तरफ नमाज पढ़ाने के लिए, तो क्या तरीका था? इमाम हसन दाएं जानेब थे, इमाम हुसैन बाएं जानेब थे, और वो जो यतीम था हुजूर ने उसको अपने कंधों पर उठा रखा था। और जब हुजूर बाहर निकले अपने घर से, दर दौलत से बाहर निकले, तो लोग और वो बच्चे जो उसको अपने साथ खिलाना खेलना गवारा नहीं कराते, साथ खिलाना नहीं चाहते थे, वो एक कोने में बैठ के रो रहा था। अब उनकी नजरें जब पड़ी ना हुजूर पर, रश्क, और रश्क आया कि काश आज हम भी यतीम होते और हुजूर के कंधों पर होते। तो हुजूर ऐसे ईद गुजारते थे। और मुझे एक बात याद आई, अमीरुल मोमिनीन खलीफा दौम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, आप ईद वाले दिन, हालांकि उस वक्त आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा वक्त थे, आपने नमाज ईद पढ़ाई है, नमाज ईद पढ़ाने के बाद कुछ सहाबा इकराम से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, ईद की मुबारकी हुई, कुछ से ना हो सकी, तो जो रह गए हजरत उमर घर आ गए। जब आप घर आ गए, आपने अपने दरवाजे का, हुजरे का दरवाजा बंद करके जारों कतार रो रहे हैं। अब बाकी सहाबा जो हजरत उमर से ना मिल सके थे अमीरुल मोमिनीन से, तो वो ईद मिलने आए, तो उन्होंने जब दरवाजे पे आके देखा वक्त का अमीर है, खलीफा दौम है, ईद वाला दिन है, खुशी का दिन है, अपने हुजरे में बैठ के जारो कतार हो रहा है, चीखो पुकार बाहर दरवाजे तक है। जब वो सहाबा किराम ने उनके रोने की आवाज सुनी ना, दरवाजे पे दस्तक दी, तो अर्ज की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज तो खुशी का दिन है, मुबारक का दिन है, बरकतों वाला दिन है, आप इस आलम में रो रहे हैं? तो आपने पता क्या फरमाया था? आपने एक बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, आपने फरमाया हादा यौमुल ईदे व हादा यौमुल व ईदे, आपने फरमाया आज का जो दिन है ये ईद का भी दिन है व ईद का भी दिन है। तो आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया ईद उन लोगों की है, ईद उन लोगों की है कि जिनके रोजे नमाज सारी इबादत कबूल हो गई। तो उमर तो ये भी नहीं जानता कि उमर के रोजे भी कबूल हुए कि नहीं हुए। नाज़रीन मोहतरम, आइए हम मौलाना साहब की मैयत में अल्लाह सुबहानहु व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपनी झोलियां फैलाकर, गर्दनें झुकाकर। आलमीन, ये जो लैलतुल जायजा और ईद का हकीकी तसव्वुर के उनवान पर इतनी अहदीस मुबारक पढ़ी गई, मेरे मालिक, इसका हम सब को अजर अज़ीम अता फरमा। आमीन या रब। सुनने वाले हाजरीन नाजरीन उन सब पर अपना करम फरमा। हुजूर सरवरे कायनात सरकार दो आलम ताजदार मदीना जाने कायनात सरकार की सारी उम्मत पर अपना खास करम फरमा। इलाहुल आलमीन, इस प्लेटफार्म को मजीद तरक्कियां और कामयाबियां अता फरमा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत मरहुमा
जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मगफिरत फरमा, और इस बाबरकत रात के सदके, आखिरी रात के सदके मेरे मालिक हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। आमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही।